नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलों की प्रकृति के लिए हमने पीछे एक वीडियो किया था। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मेरे पिछले वीडियो को। यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी हम निकालेंगे पहले समीकरण का, फिर देखेंगे यदि वो जीरो से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल, यदि जीरो के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल, यदि जीरो से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है बच्चों, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो इस कंडीशन में भी, इस इक्वेशन में हमें ये दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ, तो हमें a प्राप्त होगा। देखो, एक्स स्क्वेयर वाला a प्राप्त होगा 2, b प्राप्त होगा x के साथ है b, x के साथ है -3, तो b हो गया -3 और c होगा 5। ठीक है, अब हमें सबसे पहला जो काम है वो क्या है, हमें बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी यानी कि विविक्तकर निकालना है। हमने पिछले वीडियो में देखा था विविक्तकर होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, तो ये हम निकालेंगे। तो देखो, b है -3, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए कितना है 2, इंटू सी, सी कितना है बच्चों 5। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हल करें, देखिए -3 है ये, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। माइनस यहां आ गया, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40, तो 9 - 40 प्लस माइनस माइनस, 40 में से 9 निकाले 31, साइन बड़ी रकम का माइनस। तो ये हमारे पास अभी हमारा विविक्तकर यानी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी आया है। और मूलों की प्रकृति के अनुसार यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी 0 से छोटा है, जैसा कि हमारा माइनस आया है, -31 आया है, तो यह 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी 0 से छोटा है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। और आपसे प्रश्न में ही पूछा था, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। मूल है तो ज्ञात करो, हमने कहा कोई वास्तविक मूल है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। इस प्रश्न के बाकी भागों में भी हमें यही करना है। जितनी भी समीकरणें दी हैं उनके सबसे पहले बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी निकालना है। यदि वह 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, प्रश्न वहीं खत्म। यदि 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उस समीकरण के मूल निकालेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।